हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो समझने वाले हैं सीआरपीसी के पांच सेक्शंस, सेक्शन 200, सेक्शन 201, 202, 203, 204, जिसमें बेसिकली हम सभी सेक्शंस को डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और समझते हैं सभी सेक्शन को। सेक्शन 200 पर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। आज यहाँ पर ब्रीफली सभी सेक्शंस को समझेंगे कि बेसिकली ये सेक्शंस क्या क्या हैं और किन किन चीजों की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रीफली बताता हूँ कि सेक्शन 200 किस चीज की बात करता है। सेक्शन 200 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट की। देखो बेसिकली जब भी कोई कंप्लेनेंट कोई कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करता है तो उस कंप्लेंट पर कोर्ट अपना कॉग्निजेंस कैसे लेता है उसका प्रोसीजर बताता है सेक्शन 200। सेक्शन 200 कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंप्लेंट में कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करके उस कंप्लेंट पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। कैसे कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करता है सेक्शन 200 बताता है। सेक्शन 200 कहता है कि अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट इफ एनी एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate। देखो जब भी complainant complaint file कर रहा है तो complainant का जो है on oath मतलब कि oath पर जो है उसका examination करता है, उसका statement जो है court लेती है, और अगर उसमें witnesses भी है तो witnesses का statement court लेगी। इस तरीके से जो है court cognizance लेती है, और जब वो statement record हो जाता है तो उस पर जो है complainant का sign होता है, उस पर विटनेसेस के साइन होते हैं और बाद में मजिस्ट्रेट भी अपना उस पर साइन करती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें कॉग्निजेंस लेने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें जो है कंप्लेंट को राइटिंग में रिड्यूस किया जाए। वो कौन सी परिस्थितियां हैं वो इस सेक्शन का प्रोविजो बताता है। प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें सपोज करो कि कंप्लेनेंट ने राइटिंग में अपनी कंप्लेंट दे दी है तो उसमें जो है कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, बिना एग्जामिन किए ही जो है कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। वो परिस्थितियां हैं, पहली इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और अ कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट। देखो जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के समय कोई अपनी जो है कंप्लेंट कोर्ट में करता है या एक कोर्ट दूसरे कोर्ट में अपनी कंप्लेंट करती है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कंप्लेंट रिटर्न में दी हुई है, अगर कंप्लेंट रिटर्न में दी हुई है तो कोर्ट रिटर्न कंप्लेंट को ही एक्सेप्ट करके उस पर कॉग्निजेंस ले लेती है। उसमें जो है कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो जो पब्लिक ऑफिसर है उसका जो है एग्जामिनेशन कोर्ट नहीं करेगी ऑन ओथ, वो बिना एग्जामिन करे ही अपना ले लेगी। तो अब देखो एक चीज यहाँ पे समझने की है कि कोर्ट कंप्लेन कैसे करती है। देखो बेसिकली क्या होता है सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी में कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट भी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कंप्लेंट दूसरे कोर्ट में कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोर्ट कंप्लेंट कर रही है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी कोर्ट जो है एग्जामिन नहीं करेगी, अपना कॉग्निजेंस डायरेक्टली ले लेगी। दूसरी सिचुएशन है इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू द अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192। जब एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को सेक्शन 192 में एक केस मेक ओवर करती है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी कोर्ट एग्जामिन नहीं करती है, वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले लेती है। मेक ओवर करने का मतलब क्या होता है ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है लास्ट वीडियो में, अब मैं ब्रीफ में यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो मेक ओवर होता है जब सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को कोई केस ट्रांसफर करती है उसको बोलते हैं मेक ओवर करना। सपोज करो कि सेशंस कोर्ट ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अगर कोई केस ट्रांसफर किया है तो उसको बोलते हैं मेक ओवर करना। आगे ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू द अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस द लेटर मजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन देम। देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर एक मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी किसी विटनेस को एग्जामिन कर लिया है और वो फिर उस केस को दूसरे मजिस्ट्रेट के पास मेक ओवर करती है तो जो दूसरा मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेते समय उस पर्टिकुलर कंप्लेनेंट या विटनेस को एग्जामिन नहीं करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है सेक्शन 200 जिसको डिफाइन करता है कि कॉग्निजेंस लेते समय कोर्ट कब एग्जामिन करेगी और कब एग्जामिन नहीं करेगी। बेसिकली एग्जामिन करने के बाद ही कोर्ट किसी भी मैटर पर अपना कॉग्निजेंस लेती है, ये बताता है सेक्शन 200। अब समझते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 201 जो बेसिकली बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है किसी भी कंप्लेंट को ट्राई करने का तो उस समय क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है।
देखो सीआरपीसी का सेक्शन 201 कहता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस इन अ केस। अगर किसी पर्टिकुलर केस में कोई मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है उस केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए तो क्या होता है, इफ द कंप्लेंट इज मेड टू अ मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ही सेल, ए इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब कंप्लेनेंट किसी भी कंप्लेंट को कोर्ट में फाइल करता है और वो उसने ऐसे कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की कि वो कोर्ट उस कंप्लेंट को ट्राई करने के लिए उसका ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कंप्लेंट जो है रिटर्न में फाइल की गई है तो कोर्ट जो है उस कंप्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में भेज देती है। प्रॉपर कोर्ट वो कोर्ट है जिसमें उस केस को ट्राई करने की कैपेसिटी है, जो कॉम्पिटेंट है उस केस को ट्राई करने का। दूसरी सिचुएशन ये है कि इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, और अगर सपोज करो कि कंप्लेनेंट ने राइटिंग में कोई कंप्लेंट नहीं भेजी हुई है तो वो उस कंप्लेनेंट को ही प्रॉपर कोर्ट में जाने का निर्देश देती है। ये है सेक्शन 201 जो बहुत ही छोटा सा सेक्शन है जो बताता है कि कंप्लेनेंट अगर प्रॉपर कोर्ट में न जाकर किसी ऐसी कोर्ट में जाता है जिसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है केस को ट्राई करने की, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कोर्ट क्या करेगी, वो कोर्ट या तो उस कंप्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में भेज देगी अगर वो रिटर्न में फाइल की गई है, अगर वो रिटर्न में फाइल नहीं की गई है तो कंप्लेनेंट को ही प्रॉपर कोर्ट में जाने के लिए निर्देश देगी। ये बताता है सेक्शन 201। आप समझेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 202। सेक्शन 202 बात करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। देखो पहले ये समझो कि इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है। जब पर्टिकुलर किसी केस में कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले लेती है तब कोर्ट उस केस को स्टार्ट करती है और एक्यूज्ड को समन्स इशू करती है। जब कोर्ट किसी भी एक्यूज्ड को समन्स इशू करती है उसी को बोलते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। लेकिन ये समन्स वो तब स्टार्ट करती है जब उसको लग जाता है कि कोर्ट में जो केस फाइल किया गया है उसमें कुछ दम है, उसमें कोई पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है जिसकी वजह से कंप्लेनेंट आया है। लेकिन अगर कोर्ट को कहीं भी लगता है कि कंप्लेनेंट ने जो भी कंप्लेंट की है उसमें कहीं लैकुना है या कहीं ऐसा लगता है कि वो ऑफेंस नहीं हुआ है, कोर्ट में कंप्लेनेंट बिना वजह आ गया है किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए उसके अगेंस्ट उसने केस फाइल किया है, तो कोर्ट पहले अपने आप को सेटिस्फाई करती है कि सचमुच में वो ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए कोर्ट क्या करती है, वो जो है एक्यूज्ड को जो समन्स इशू करने होते हैं उसको पोस्टपोन कर देती है, उसी को बोलते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। अब कैसे कोर्ट करती है चलिए इसको समझते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट ऑन रिसीट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस ऑफ व्हिच ही इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस और व्हिच हैज बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 192, कि कोई भी कंप्लेंट जो कोर्ट को रिसीव हुई है या कोई भी कंप्लेंट जो मेक ओवर हुई है कोर्ट को, उसको जो है अगर इफ ही थिंक्स फिट पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अगर कोर्ट को लगता है कि उस कंप्लेंट में कोई प्रॉब्लम है या कोई लैकुना है या एक्यूज्ड को बिना वजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए तो वो जो है इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देती है। और आगे क्या कहते हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड आइदर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक्स फिट for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding। देखो basically क्या हो जाए कि जब court को लगता है कि कोई offence हुआ है या नहीं हुआ है, court के mind में लगता है कि शायद offence नहीं हुआ है, या उसको जो है पहले ध्यान से समझना चाहिए कि court में जो complaint file हुई है उसका base क्या है, उसका base ठीक है या नहीं है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, किसी इंक्वायरी की जरूरत है, तो कोर्ट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस कंप्लेंट में इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी उस कोर्ट में करवाती है। इसमें कुछ प्रोविजो भी है वो भी समझेंगे क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर एन इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड वेयर इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। देखो जो ये इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन है कोर्ट जरूरी नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर केस में दे। किसी पर्टिकुलर केस में अगर कोर्ट को लगता है कि जो कंप्लेंट उसके पास आई है और वो कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है, उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन उसको ट्राई कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के डायरेक्शन नहीं देता है क्योंकि उसको पता है कि ये जो डायरेक्शन है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन दे सकती है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। दूसरा है कि वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट अनलेस द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट इफ एनी
have been examined on oath under section 200. देखो दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर सपोज लो कि कोर्ट के पास कोई ऐसी कंप्लेंट आई है जिसमें कंप्लेनेंट का या विटनेसेस का सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी कोर्ट इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन नहीं देती है। कोर्ट पहले ये कंफर्म करेगी कि सेक्शन 200 में उस कंप्लेनेंट का और उस विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो चुका है, उसके बाद ही कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन देती है, अदरवाइज वो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन नहीं देगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट जो है accused या against process करने को postpone कर सकती है। आगे समझते हैं section 202 का subsection 2 क्या कहता है। subsection 2 कहता है कि in an inquiry under subsection 1, the magistrate may, if he thinks fit, take evidence of the witnesses on oath, provided that if it appears to the magistrate that the offence complained of is tribal exclusively by the court of sessions, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath. देखो बेसिकली क्या है कि जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल होती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सपोज करो कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो कंप्लेंट उसके पास आई है वो कोर्ट ऑफ सेशन ही सिर्फ ट्राई कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट जो है कंप्लेनेंट को और उसके विटनेसेस को खुद वहां पर उसका ओथ लेकर एग्जामिन करती है और उसके बाद जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में उसको कमिट कर देती है। कमिट करना क्या होता है इसको हम किसी दूसरे पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे, सिर्फ ये समझ लो कि जब छोटी कोर्ट बड़ी कोर्ट को कोई केस ट्रांसफर करती है तो उसको बोलते हैं कमिट करना। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसी कंप्लेंट आती है जो एक्सक्लूसिवली जो है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिर्फ मजिस्ट्रेट उस कंप्लेनेंट और विटनेसेस का ओन ओथ जो है एग्जामिनेशन करके केस कमिट कर देती है कोर्ट ऑफ सेशंस में। अब समझते हैं सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, ही शैल हैव फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस कोड ऑफ एन ऑन एन ऑफिसर और एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एक्सेप्ट द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। देखो बेसिकली क्या है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन करता है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति के पास वो सारी पावर्स हैं जो किसी भी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के पास होती है, एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट, मतलब कि वो व्यक्ति सिर्फ अरेस्ट नहीं कर सकता बाकी वो सब कुछ कर सकता है। तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं जो सेक्शन 202 बताता है। पहली चीज बताता है कि कब जो है मजिस्ट्रेट किसी पर्टिकुलर केस में प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकता है। दूसरी चीज बताता है कि अगर कोई केस सेशंस कोर्ट द्वारा ट्राइबल है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा। और तीसरी चीज ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर नहीं है वो उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि उसके पास सभी पावर्स हैं जो एक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के पास होती है। अब समझते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 203 क्या कहता है। सेक्शन 203 बात करता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। इन ब्रीफ मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कंप्लेंट ऐसी फाइल की गई है जिसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, जिसमें कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं है जिससे प्राइमा फेसाई क्लियर हो कि एक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मजिस्ट्रेट के पास होता है कि वो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। सेक्शन 203 कहता है कि इफ आफ्टर कंसीडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ इफ एनी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड ऑफ द विटनेसेस एंड the result of the inquiry or investigation if any under section 202 the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceeding, he shall dismiss the complaint and in every such case he shall briefly record his reason for doing so. देखो बेसिकली क्या है कि सपोज करो कि कंप्लेनेंट का ऑन ओथ एग्जामिनेशन करवा लिया गया, विटनेसेस का एग्जामिनेशन करवा लिया गया, बट उसके बाद इंक्वायरी भी करवा ली गई, इन्वेस्टिगेशन भी करवा लिया गया केस में कि उस पर्टिकुलर केस में कुछ कोजेंट ग्राउंड है उस केस में आगे बढ़ने का या नहीं, और अगर कोर्ट को लगता है इन सब चीज़ों के बाद, इंक्वायरी करने के बाद भी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी, स्टेटमेंट समझने के बाद, स्टेटमेंट लेने के बाद विटनेस का या कंप्लेनेंट का, अगर कोर्ट को लगता है कि उस केस में कुछ ऐसा नहीं है कि उसको उस केस को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट अपने रीजन के साथ उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है अंडर सेक्शन 203 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब समझते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 204 क्या कहता है। सेक्शन 204 बात करता है इशू ऑफ प्रोसेस की। देखो ऑलरेडी जैसे हमने समझा सेक्शन 202 में पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस,
वैसे हम इसमें समझेंगे इश्यू ऑफ प्रोसेस क्या है। देखो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब किसी भी पर्टिकुलर केस में कंप्लेनेंट और विटनेसेस का एग्जामिनेशन करने के बाद या इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट को लगता है कि उस पर्टिकुलर केस में कुछ दम है, उस केस में जो है एक्यूज्ड को बुलाना चाहिए कोर्ट में और उसको उसके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट करना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट एक्यूज्ड को कॉल करने के लिए समन्स इशू करती है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से समन्स जो है या वारंट कैसे किसी भी पर्टिकुलर एक्यूज्ड को इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 204। सेक्शन 204 बात करता है कि इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग एंड द केस अपीयर्स टू बी द समन्स केस ही शैल इशू हिज समन्स फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड एंड इफ द केस अपीयर्स टू बी द वारंट केस ही मे इशू अ वारंट और इफ ही थिंक्स फिट a summons for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before such magistrate or if he has no jurisdiction himself some other magistrate having jurisdiction। देखो basically क्या है कि अगर किसी भी particular case में जिसमें court के पास कॉग्निजेंस लेने का पावर है और उसमें कोर्ट को लगता है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद सफिशिएंट ग्राउंड है कि एक्यूज्ड को बुलाना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वो केस समन्स केस है तो उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट वो समन्स इशू कर देता है। अब समन्स केस और वारंट केस क्या होता है उसको हम किसी दूसरे पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। इसमें सिर्फ ये समझिए कि अगर समन्स केस है तो समन्स इशू होगा और अगर वारंट केस है तो कोर्ट वारंट इशू कर सकती है और साथ ही साथ अगर कोर्ट को लगता है कि वारंट इशू करने की जरूरत नहीं है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो समन्स भी इशू कर सकती है कि उस एक्यूज्ड को बुलाया जाए या पकड़ के लाया जाए कोर्ट में अपीयर करवाया जाए। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये है कि अगर उस कोर्ट के पास उस केस को ट्राई करने की कैपेसिटी है तो वो अपने ही कोर्ट में एक्यूज्ड को बुला लेती है, या अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है कोर्ट उस केस को ट्राई करने के लिए तो वो डायरेक्शन देती है कि एक्यूज्ड को प्रॉपर कोर्ट में अपीयर करवाया जाए। ये बताता है सबसेक्शन 1। अब समझते हैं कि सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि नो समन्स और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द एक्यूज्ड अंडर सबसेक्शन 1 अंटिल अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड। देखो बेसिकली क्या है कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर केस में जो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा जिसमें जो है कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, जिसमें चार्जशीट के माध्यम से कोर्ट ने जो है अपना कॉग्निजेंस लिया है, उस केस में कोर्ट तब तक समन्स या वारंट इशू नहीं करेगी जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल ना कर दे। तो ये है सबसेक्शन 2। अब समझते हैं कि सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग एवरी समन्स और वारंट इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अकंपनीड बाय अ कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट। सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई भी केस जो है कंप्लेंट के द्वारा फाइल की गई है अगर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब समन्स या वारंट इशू होगा तो उस समन्स के साथ कंप्लेंट की कॉपी भी एक्यूज्ड को भेजी जाएगी। ये बताता है सबसेक्शन 3। अब समझते हैं कि सबसेक्शन 4 क्या कहता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि व्हेन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फी और अदर फीस आर पेएबल नो प्रोसेस शैल बी इशूड अंडर द फीस आर पेड If such fees are not paid within a reasonable time, the magistrate may dismiss the complaint. Subsection 4 कहता है कि summons या warrant issue करने के लिए अगर कोई fees अगर decided है, तो जब तक वो fees जो है court में submit नहीं होगी, तब तक वो summons या जो है warrant है वो issue नहीं किया जाएगा। और इसकी भी एक time duration है। और अगर जो है suppose करो कि complainant वो fees जमा नहीं करता है, तो इस particular ground पे भी court जो है उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है। ये है सबसेक्शन 4। अब समझते हैं कि सबसेक्शन 5 क्या कहता है। सबसेक्शन 5 कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87। सबसेक्शन 5 कहता है कि जो सेक्शन 87 के प्रोविजंस हैं वो ये सेक्शन जो है कहीं भी अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि सेक्शन 87 के जो प्रोविजंस हैं उसको सेक्शन 204 कहीं भी अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 87 बेसिकली बात करता है कि कब जो है कोर्ट समन्स की जगह वारंट भी इशू कर सकता है। ये किसी दूसरे पर्टिकुलर वीडियो समझेंगे, बट ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि कोर्ट के पास पावर होती है कि समन्स की जगह वो वारंट भी भेज सकता है। तो वारंट कब कब वो भेजेगा समन्स की जगह, इस पर्टिकुलर पावर को जो है सेक्शन 204 कहीं भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये था मोटा मोटी 5 सेक्शन, सेक्शन 200, सेक्शन 201, सेक्शन 202, सेक्शन 203 एंड सेक्शन 204 जो हमने समझा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।